आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज। श्री गुरु रविदास ऐतिहासिक धर्म स्थान सचखंड अमृतकुंड पालगढ़ साहिब के संत सुरिंदर दास महाराज व आदि धर्म मिशन के अध्यक्ष संत सतविंदर हीरा महाराज का अखिल भारतीय संत शिरोमणि सदगुरु रविदास मिशन आश्रम सच्चा धाम ट्रस्ट हत्यादल में पहुंचने पर महंत राजकुमार दास के नेतृत्व में जोरदार स्वागत कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महाराज यहाँ आने का पर्पज़ है, सतगुरु दास महाराज जी अपने पूरे जीवन काल में पूरे भारत में ही नहीं, जो देश अलग चुके हैं उनमें भी साथ साथ में जाकर के गुरु महाराज के जो परमात्मा का नाम है और जो बराबरता का, समानता का, भाईचारे का संदेश है, उसको उन्होंने अपने जीवन काल में जन जन तक पहुँचाया और उसी बात को लेकर के उसी समाज जो हमारा है, जो दबा कुचला है, उनकी जो विद्या की बात है, एजुकेशन की बात है, अपने हकों की बात है, अपने हिस्सेदारी की बात है, वो उसको लेकर के हम गुरु रविदास महाराज का जो संदेश है वो लेकर आए हैं। इसका इसलिए हम आए हैं, संत हमारे महापुरुष हैं राजकुमार जी, तो इनकी हमने विचार सुने हैं, वो चंद्रगंगा में आए थे, तो हमें लगा कि जो ऑल इंडिया धर्म मिशन चल रहे हैं मिशन को लेके, और विचार इनके अच्छे थे, हमने सोचा दिया हम भी जाएं इनके साथ चलें। दूसरी बात ये है, अभी संत समनदास जी जो हमारे चंद्रगंगा में कई बार आए हैं, तो उनके विचार भी हमने सुने, तो उनकी विचारधारा को लेकर ये चल रहे हैं। हमने जब उनके विचार सुने हैं संत समनदास जी के, हमने भी उनके 3-4 बार दर्शन किए हैं, बाहर भी किए हैं, हरियाणा में भी किए हैं, सत्संग में करके, उनकी जो विचारधारा थी समाज के लिए, एक तो ये थी कि हमने नशा नहीं करना, और पूरे उत्तर भारत में जितना प्रचार संत समनदास जी ने किया है वो बहुत ही शलाघा योग्य है, और हम उससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं, और इसी करने करके हमने श्री चरणों गंगा में उनका नाम देना है, पिछले ये व्यक्ति हमने मनाया। हम चाहते हैं भी जो समाज में अच्छा काम संत करके गए हैं या कर रहे हैं उनके साथ चलें, और जो भारतवर्ष में हमारा जो आदिवासी समाज है, दलित समाज है, इनको जो पिछड़े हुए हैं इनको समझाएं, घर घर जाके, गांव गांव जाके समझाने से जो सतगुरु महाराज जी का बेगमपुर का जो वचन है, बेगमपुर की जो पानी है, तभी हम कर सकते हैं अगर हम सारा इकट्ठा हो जाएं, चाहे उत्तराखंड के संत हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे वो साउथ के हैं। इसका मैसेज यही है कि पहले तो हम संतों को ही एक हों, यदि हम संत एक होके चलते हैं तो आगे यही समाज में मीटर अच्छा जाता है, फिर हमारा समाज भी इसको देख के, यदि हम 5 एक हो जाएंगे तो आगे 6 भी लगेंगे, यदि हम 5 ही नहीं एक होकर रहेंगे तो 6ठा कहाँ से लगेगा। वही बात समाज में है, यदि 5 गुरुमुखी है, गुरु का नाम दान ले रखा, तो 5 यदि एक होकर रहेगा तो 6ठा भी हमारे साथ लगने की कोशिश करेगा।